हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं आपकी एक्सरसाइज छठी संतता और अवकलनीयता स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है संतता। अपन बात करें संतता क्या है, तो संतता की बात करते हुए इसको इंग्लिश में कंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी बोलते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? लगातार। कोई भी चीज़ जब लगातार होती है तो वो संतत्ता होती है। अब जैसे कोई भी हम गणित में बात करें तो वक्र के हिसाब से बात करें, तो कोई मैंने एक वक्र बनाया, वक्र कई प्रकार के बनते हैं, आपने देखा होगा, आपको याद होगा, साइन एक्स का जो वक्र होता है वो इस प्रकार से बनता है। इस वक्र को बनाते हुए हमें कहीं भी पेन को उठाना नहीं पड़ता है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? जब इसे हमें कहीं भी पेन को उठाना नहीं पड़ता है तो इसका मतलब क्या है? ये लगातार है, संतत है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइन एक्स का वक्र है ये कैसा है? संतत है। संतत में कुछ बेसिक प्रॉपर्टियां हैं, उन बेसिक प्रॉपर्टियों की बात करते हैं अपन। मैथमेटिकली संतत को परिभाषित करने के लिए सवाल में हम जो संतत की प्रॉपर्टी काम में लेंगे वो क्या लेंगे कि कोई भी फलन संतत होगा यदि दाई सीमा बराबर हो बाई सीमा बराबर हो बिंदु पर फलन का मान, बिंदु पर फलन का मान। दोस्तों, अब आपके सामने प्रॉब्लम यह आ रही होगी कि दाई सीमा क्या होती है, बाई सीमा क्या होती है, बिंदु पर फलन का मान क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं दाई सीमा की। देखिए, दाई सीमा में क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, ये हमारा दाई सीमा को इंडिकेट करता है। बाई सीमा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, ये हमारे बाई सीमा को इंडिकेट करता है। और बिंदु पर फलन का मान एफ ए, ये कौन से बिंदु पर हमने निकाले हैं? ये हमने सभी एक्स बराबर ए बिंदु पर हमने संतता देखी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब अपना एक टॉपिक आता है बिंदु x बराबर a पर दाई ओर से संतत होना। क्या मतलब हुआ इसका? यदि दाई सीमा बराबर हो बिंदु पर फलन का मान का मान, मतलब दाई सीमा का मतलब लिमिट h टेंस टू जीरो f a प्लस एच। कौन से बिंदु पर पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम x बराबर a पर पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर a लिया है। लिमिट h टेंस टू जीरो f a प्लस एच बराबर बिंदु पर फलन का मान, बिंदु कौन सा लिया है हमने? a लिया है। तो बिंदु पर फलन का मान, तो हम x के स्थान पर क्या रख देंगे? फलन में a रख देंगे। अगर दाई सीमा बराबर हो बिंदु पर फलन का मान, तब हम कहेंगे कि फलन दाई ओर से संतत है। तब हम क्या कहेंगे? बिंदु x बराबर a पर फलन कहां से संतत है? दाई ओर से संतत है। अब मैं बात करूं बिंदु x बराबर a पर बाई ओर से संतत होना, बिंदु x बराबर a पर
बाई ओर से संतत होना। तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, यदि बाई सीमा बराबर हो बिंदु पर फलन का मान, यदि बाई सीमा बराबर हो बिंदु पर फलन का मान। बाई सीमा का मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू जीरो f a माइनस एच, बिंदु पर फलन का मान f a। अगर बाई सीमा बराबर हो बिंदु पर फलन का मान, तब हम कहेंगे कि फलन बिंदु x बराबर a पर बाई ओर से संतत है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इस पर आधारित आगे भी और सवाल पढ़ेंगे अपन। देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं अंतराल में किसी फलन का विवृत अंतराल में संतत होना। देखिए वह कौन कौन से फलन होंगे जो विवृत अंतराल में संतत होते हैं, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि विवृत अंतराल में संतत होने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं। देखिए विवृत अंतराल क्या होता है दोस्तों, ये छोटा ब्रैकेट। अब इस मान लीजिए विवृत अंतराल ए से बी में, हमें किसी फलन की सांतता जांच करनी हो, तो हम क्या देखेंगे कि इस विवृत अंतराल में ए से बी के बीच में आने वाले जितने भी बिंदु हों, उन सभी बिंदुओं पर फलन कैसा होना चाहिए, संतत होना चाहिए। तो विवृत अंतराल के लिए अपन क्या लिखेंगे, विवृत अंतराल ए से बी के बी में ए तथा बी के बीच में आने वाले सभी बिंदुओं पर संतत हो, तब फलन विवृत अंतराल ए से बी में संतत होगा। देखिए दोस्तों, विवृत अंतराल ए से बी में ए तथा बी के बीच में आने वाली सभी बिंदुओं पर अगर फलन संतत है, तब हम कह सकते हैं कि फलन ए से बी में क्या होगा, संतत होगा। इसको उतार लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों देखिए, कुछ फलन ऐसे होते हैं जो अपने अंतराल में हमेशा संतत होते हैं। ऐसे कौन कौन से फलन हैं जिनको हम पढ़ें तो वो हमेशा संतत हों। देखिए संतत फलन, अब मैं बात कर रहा हूँ आपके कुछ संतत फलनों की। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ फलन मोड एक्स, मोड एक्स को हम निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं, निरपेक्ष मान फलन। दूसरा इसे हम मापांक फलन भी कहते हैं, मापांक फलन। देखिए दोस्तों, मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। अब आप देखिए दोस्तों, इस ग्राफ को बनाने के लिए मैं अगर इस ग्राफ को बनाऊं, कहीं भी पेन उठाना पड़ता है नहीं, कहीं से भी शुरू करो कहीं भी खत्म करो, कहीं भी
इस पूरे ग्राफ को बनाने के लिए पेन को उठाना नहीं पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फलन मापांक फलन होता है या मॉड एक्स फलन होता है, यह अपने अंतराल में कैसा होता है, संतत होता है। अंतराल के सभी बिंदुओं पर, ये सभी बिंदुओं पर कैसा फलन होता है, संतत फलन होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा देखिए, साइन एक्स, त्रिकोणमिति में मैं बात करूं तो साइन एक्स की बात करते हैं। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से बनता है। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें कहीं भी पेन को उठाना नहीं पड़ता है। आप कहीं से भी स्टार्ट करें, तो जब आप बनाना स्टार्ट करोगे तो इसको बनाने के लिए कहीं भी पेन को उठाना नहीं पड़ता है। ये ग्राफ लगातार चलता है, तो हम कह सकते हैं जो चीज़ लगातार है वो क्या है, संतत हुई। जो चीज़ लगातार है, जिस फलन का वक्र लगातार है, वही फलन क्या होगा, संतत होगा। तो ये फलन का जो वक्र है वो कैसा है, लगातार है, कंटिन्यू है, तो ये फलन कैसा हुआ, संतत हुआ। दोस्तों आज के लिए थोड़ा हम इतना ही ले रहे हैं, आगे कल और इसकी वीडियो डालेंगे हम, इससे आगे पढ़ाएंगे कल हम।